इस वीडियो में हम अभ्यास 11 और अभ्यास 12 देखेंगे। आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो में अभ्यास 10 तक अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। ठीक है, अब आपको अभ्यास 11 और 12 में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें, ठीक है, जिससे हम लोगों को पता चले कि हम जो वीडियो बना रहे हैं सही जा रही है और ठीक से आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है टीम, टीम को आप किस तरीके से बनाया गया है, ट बनाया है और म बनाया है, लेकिन इसमें देखिए जो ट पे ई की मात्रा है वो म के थर्ड पोजीशन पे, वो भी ऊपर की तरफ लगाया गया है। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर ट पे ई की मात्रा आप लगाएंगे थर्ड पोजीशन पर वो थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, इस वजह से इन्होंने कहा कि जहाँ पर प्रॉब्लम करें आप उसको शिफ्ट कर दो दूसरे वाले व्यंजन पर, वो भी बाई तरफ या फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीम। फिर नेक्स्ट है अफीम। अफीम में भी म पे ऊपर फ की मात्रा जो है ऊपर ली गई है, और शुरू में जो अ है वो शुरू में लिख दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसको हम एज अ वर्ड पढ़ेंगे ना कि मात्रा की तरह, तो ये आपका अफीम हो गया। नेक्स्ट है बूट। सिंपल है, ये तो वो की मात्रा लगा दीजिए म पे, ये बूट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट मूल, म पे ऊ की मात्रा लगा दीजिए मेल, अच्छा सॉरी ये चौथा जो है मूल है ये वाला, म फिर ल की मात्रा लगा दीजिए ये मूल हो जाएगा। नेक्स्ट है मेल, मेल पे ए की मात्रा लगा दीजिए डॉट, आपका मेल हो जाएगा। नेक्स्ट सिर, तो सिर आप श और र इस तरीके से भी बना सकते हैं, और जो मैंने बनाया है ऐसे करके वो भी बना सकते हैं। समय, ई की मात्रा जो लगी है वो लेफ्ट साइड लगा दिया गया है र के, तो इसी तरीके से उसको हम श के लिए पढ़ेंगे मात्रा की तरह, तो ये सिर हो गया। नेक्स्ट है झूठ, झ बनाइए ठ बनाइए। ठीक, अब डार्क है दोनों, झ है वो डार्क थोड़ा बना हुआ है, और जहाँ पे ओ की मात्रा लगा दीजिए थर्ड पोजिशन पे, तो ये झू फिर ठ एज अ झूठ पढ़ा जाएगा। फिर मूसा, म बनाइए श बनाइए, ओ की मात्रा और फिर श पे आ की मात्रा, तो मूसा हो गया। बुरा, तो ब बनाइए फिर र बनाइए, इसमें भी शिफ्ट कर दिया गया है, आप बिना शिफ्ट के भी बनाते हैं, अगर ब पे ऊ की मात्रा भी यहाँ पे लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है सूत, श और फिर त बना दीजिए, ऊ की मात्रा लगा दीजिए, तो ये आपका सूत हो जाएगा। फिर नीला, न बनाइए ल बनाइए, ई की मात्रा देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो थोड़ा नहीं लग पाएगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने शिफ्ट कर दिया और ल पे आ की मात्रा लगा दिया, तो आपका नीला हो गया। अब हरा, हीरा, ह बनाइए र बनाइए, ह की मात्रा यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं फिर र कर दीजिए, तो आपका हीरा हो गया। हीरा दो तरीके से बना सकते हैं हम, एक ह इस तरीके से र थोड़ा बड़ा कर दीजिए तो ये आपका हो गया, और ई की मात्रा इसके बल में लगा दीजिए तो ये ही हो गया, ये र हो गया हीरा। नेक्स्ट मीन, म बनाइए न बनाइए, मीन ई की मात्रा लगा दिया गया है बस, सिंपल। शेठ, सेठ भी सिंपल है, श बनाया ठ बनाया शेठ, ए की मात्रा यहाँ पर लगा दिया गया है सेकेंड पोजिशन पर। फिर है सीरा, स बनाइए फिर र बनाइए, ई की मात्रा शिफ्ट यहाँ पे भी किया गया है, र पे पहुँचा दिया गया है र के बाईं तरफ, और र पे आ की मात्रा दाईं तरफ लगा दिया गया है, इसलिए इसे सीरा पढ़ेंगे। चीनी, च बनाइए न बनाइए, च पे ई की मात्रा यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो आप दोनों तरफ जैसा मैंने बनाया इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर च पे भी मात्रा वो लगा सकते हैं, और न पे तो लगा ही है दाहिनी तरफ या नीचे तरफ, तो इसे चीनी पढ़ेंगे। फिर है टीन, ट बनाइए न बनाइए और ई की मात्रा लगा दीजिए टीन। एक चीज़ आपको याद रखना है, ये पेन नहीं उठाना है, पेन आपको नहीं उठाना है, पेन या पेंसिल जो भी यूज़ करते होंगे, ये रीम है र, और ये ई की मात्रा मैंने आप शिफ्ट कर दी है तो ये रीम पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन, ये रीम है। नेक्स्ट लाइन खूब, ख बनाइए ब बनाइए, ख बना दिया मैंने, ऊ की मात्रा लगा दिया मैंने खूब। फिर टीका, ये टीका है, टीका सिंपल है, ट फिर ई की मात्रा फिर क लगा दिए टीका। नेक्स्ट है खीरा, खा बनाइए र बनाइए, फिर ई की मात्रा लगा दीजिए यहाँ पे ख पे, फिर र पे आ की मात्रा लगा दीजिए फर्स्ट पोजिशन पे डैश खीरा। फिर काली, क ल, क पे आ की मात्रा का, फिर ल पे ई की मात्रा मतलब डॉट काली। फिर है धीमा, धीमा तो ध बनाइए म बनाइए, ध थोड़ा काट के, इसमें काटा नहीं है मैंने, ये ध आप काट लेना, ध फिर ई की मात्रा लगा दिया मैंने सेकंड थर्ड पोजीशन पे, और माँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डैश लगा दिया, तो ये धीमा धीमा पढ़ा जाएगा। फिर है पीर, पीर तो सिंपल है, प बनाइए र बनाइए, ई की मात्रा यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा दीजिए, या फिर थर्ड पोजिशन पर र के बाईं तरफ लगा देंगे तो भी ई की मात्रा ही पढ़ेंगे, तो पीर। फिर है नेक्स्ट कीला, पांचवी लाइन में फर्स्ट जो है कीला है, क बनाइए ल बनाइए, ई की मात्रा लगा दीजिए और ल पे आ की मात्रा कीला।
फिर पेटी, प ट, प पे ए की मात्रा बीच में डॉट और ट पे ई की मात्रा थर्ड पोजिशन पे डॉट, तो यानी पेटी। मूली, मूली भी सिंपल बना हुआ है, म और ल, म और ल, म पे ऊ की मात्रा, ल पे ई की मात्रा थर्ड पोजिशन पे, मूली। फिर है क्या, मोटी, 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 तो म फिर ओ की मात्रा ट पे ई की मात्रा, मो टी। नेक्स्ट है पीठ, तो प ठ बना लिया आपने, प पी की मात्रा पीठ। नेक्स्ट है दाम, द फिर म, आ की मात्रा लगा दिया मैंने दाम। फिर काम, काम भी सिंपल है, क पे आ की मात्रा काम। अब है एक सेंटेंस टाइप में दे रखा है छठे लाइन से, तो मेरी टीम जीत गई। तो देखिए मेरी के लिए मैंने म बनाया, र बनाया, म पे ए की मात्रा सेकंड पोजीशन पे, र पे ई की मात्रा मेरी। फिर नेक्स्ट में ट म टीम बना दिया मैंने, ट पे ई की मात्रा शिफ्ट करके लगा दिया मैंने, ज फिर त, ज पे ई की मात्रा जीत, त जीत, फिर ग फिर यही गई। तो यही यहाँ पे गई इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन आप ऐसे बनाएंगे, ग फिर य बना के य पे ई की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। तो आपका ये गई हो गया। नेक्स्ट लाइन जो है सेवन, ये यहाँ पे है, पेड़ के मूल में पानी दो, पेड़ के मूल में पानी दो, तो प और सॉरी यहाँ पे नहीं हुआ, ऐसे हुआ, पेड़, पेड़, फिर एक क बना के एक ही मात्रा के, म फिर ल, म पे ऊ की मात्रा मुँह हो गया, मूल में, फिर प न पानी, आ की मात्रा ला दीजिए पानी, फिर द ओ की मात्रा दो, तो ये आपका हो गया पेड़ के मूल में पानी दो। फिर नेक्स्ट लाइन है आठवीं, मूसा भाग गया, तो म बनाइए श बनाइए, तो म पे ऊ की मात्रा लगानी है, अगर आप यहाँ पे भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शिफ्ट करके जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरीके से बना सकते हैं और आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। मूसा भाग गया, तो भाग सिंपल है, भ फिर आ की मात्रा ग, भाग फिर गया, गया मैंने गई ऊपर बताया था, आप गया इस तरीके से आ की मात्रा लगा दीजिए, आपका गया हो जाएगा, तो मूसा भाग गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ में आता है आप मेरे टेलीग्राम प्रोफाइल पे जाके आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, अगर मैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कमेंट में बता सकता हूँ तो मैं कमेंट में बता दूंगा, लेकिन अगर कुछ बनवाना होगा तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। वह अफीम, अभी वह के लिए तो सिंपल वह बना दिया, अफीम मैंने पीछे बनाया था अभी, इसी तरीके से आप अफीम बना लेंगे। फिर खाकर, खा बनाया मैंने, अब इसमें कर इस तरीके से ही जुड़ा जुड़ा पड़ा है, खाकर, खा कर, तो यह खा, यहाँ से क पढ़ा जाएगा, फिर वो कर मर गया, तो म र मर, फिर ग या की मात्रा इस तरीके से आप लगा दोगे, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे विराम आ रहा है वहाँ पे आप क्रॉस का यूज़ करते रहे हो, देखो यहाँ पे क्रॉस यूज़ किया मैंने, यहाँ पे भी क्रॉस यूज़ किया है, ठीक है, तो आप क्रॉस यहाँ पे भी इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब 10वीं लाइन जो है, सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए, तो शेठ मैंने ऊपर बनाया था उसी तरीके से सेठ बना लीजिए, ज बना के ई की मात्रा ला दिए जी, फिर न बनाइए ए की मात्रा ला दिए ने, मीठे मीठे, तो म ठ मीठे, फिर मीठे इस तरीके से मीठे मीठे आप बना लीजिए, मीठे मीठे आम, आम खाए, खाए इस तरीके से आम खाए आप बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बना रखा है, ठीक है, चेक कर लीजिए आप। अब देखेंगे अभ्यास 12, अभ्यास 12 जो है उसमें दे रखा है पहली लाइन में आपकी हिंदी दे रखी है, आपको शॉर्ट हैंड बनाना है। देखिए मैं अपना शॉर्ट हैंड जिस तरीके से बनाता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप उस तरीके से बनाते होंगे, आप शब्द दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे शब्द यूज़ कर लीजिए, शब्द दो तरीके से यूज़ किए जा सकती है, कोई इसमें वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, तो शब्द ये है साव है, तो आप सा सिंपली सा बना रहे हैं, ये आपका सी है, इस पर थर्ड पोजिशन पर लगा दिया गया, ये ओस है, ओ लेफ्ट हैंड साइड पर लगा दिया, ओ की मात्रा तो ओस पढ़ा जाएगा, और ईस है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का आपको ध्यान रखना है, ये लेफ्ट हैंड में दे रखा है तो एज अ अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, और उसमें दे रखा हो तो उसे मात्रा की तरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट है आस, आप इस तरीके से आस लिखेंगे, शो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब सेकेंड लाइन अस, ये अस हो गया, पहले पहले पोजीशन पे डॉट है, फिर श है, ऊ की मात्रा दे रखी है थर्ड पोजीशन पे, ये भी शू पढ़ेंगे इसको भी इस तरीके से, फिर आशा, देखिए यहाँ पे श इस तरीके से दे रखा है, तो कई इंस्टीट्यूट में इसको काट के बता देते हैं, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे श जो है सिंपली इसी तरीके से बनेगा, लेकिन कई इंस्टीट्यूट में बताते हैं कि श बनाइए उसको हल्का सा काट दीजिए, तो फिर श पढ़ेंगे, ये वाला श, शलजम वाला,
ठीक है। तो इस तरीके से आप शुरू में यूज़ कर सकते हैं, मेरा कोई उसमें वो नहीं है, आप यूज़ करें, फ्री हैं आप, लेकिन आगे जाके ये सब नहीं यूज़ होंगी, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया। श के लिए भी एक ही होता है, श के लिए भी एक ही होता है, और षटकोण वाला श के लिए भी यही यूज़ होगा आगे जाके। तो अब आशा इस तरीके से लिखेंगे हम, से इस तरीके से लिखेंगे, सो इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है पस, फिर ये घस, फिर दस धस, और ये रास। बहुत ईजी है ये चैप्टर, ये करने में आपको आसानी मिलेगी। फिर ये मस हो गया, ये नश हो गया, ये शप हो गया, ये सद हो गया, ये सन हो गया, पेशा, ये सानो, शानो, शाह और आ की मात्रा ला के, नो लगा दी सिंपल, शानो हो जाएगा आपका। फिर ये सीना, फिर रोश, ये रोना, ये खोना। फिर ये काना, क और आ की मात्रा लगा दी है दोनों तरफ, काना हो गया, नाना इसी तरीके से नौ नौ लगा के नाना हो गया, नाम सिंपल बनता है नाम, इस तरीके से नाम। फिर मान, फिर हम, फिर ये नाप, ठीक है। ये अभ्यास 12 तक मैंने आपको बता दिया, अभ्यास 13 और 14 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको अच्छी लग रही है वीडियो, या फिर इसमें और कुछ आपको देखना है या आपको पूछना है, आप मैं मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ऐड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं अगर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना हो आप सब, आप लोगों को, ठीक है, थैंक यू।